है आपका कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसको आप बोले यार तुम इसके ऊपर काम करो, छोटा सा प्रोजेक्ट मुझे करके दिखाओ, या फिर हो सकता है कोई नहीं जानता तो आप खुद से अपने आपको ही एआई टीम कंसिडर कर लें, खुद स्टडी स्टार्ट करें और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दी। तो इन हाउस आपकी एक टीम होना चाहिए, उस टीम में एक बंदा भी हो सकता है, उस टीम में हजार बंदे भी हो सकते हैं, तो ये तो आपके ऊपर है कि आप कितना यानी बजट आपके पास है। तीसरा जो पॉइंट है वो आपको प्रोवाइड ब्रॉड एआई ट्रेनिंग। ब्रॉड एआई ट्रेनिंग का मतलब ये है, देखिए हम बड़े बैंक की अगर बात करें या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जब तक हायर मैनेजमेंट को एआई के बारे में नहीं पता और वो ये डिसाइड ही ना कर पाए कि हमें करना है नहीं करना, एआई को शामिल करें या ना करें, इसके फायदे क्या है इसके नुकसान क्या है, तो वो कभी भी हमें काम ही नहीं करना देंगे। तो हमें ब्रॉड के बोर्ड में एआई से क्या क्या काम इस दुनिया है और हम बैंकिंग सेक्टर में एआई को किस तरह इंप्लीमेंट सकते हैं, तो आपको ब्रॉड ट्रेनिंग देनी है। ब्रॉड ट्रेनिंग है जैसे एआई फॉर एवरीवन इस वक्त जो हम पढ़ रहे हैं, ब्रॉड ट्रेनिंग है कि आप किसी भी लेवल के हैं हमें फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे आए और एआई फॉर एवरीवन के जरिए आपको तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपको प्रोवाइड ब्रॉड ट्रेनिंग करनी, सबको बताना है कि एआई के जरिए क्या होता है, चाहे कहो दो लेवल को। अच्छा, जब आपको चीजें पता चल जाएंगी एआई से ये काम हो सकते हैं, अब आप किसी भी लेवल पे आपके जो भी काम होते हैं आप वो सोच सकते हैं यार ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं क्लासिफिकेशन का मॉडल इससे बना सकता हूँ, मैं रिग्रेशन का मॉडल इससे बना सकता हूँ। तो जब आपकी ये सोच हो जाती है हर एक, यानी जब ब्रॉड ट्रेनिंग आपने ली हुई है सबने, तो हर बंदा अपने अपने लिए आसानियां सोचता है। अब फोर्थ पॉइंट जो है वो है डेवलप एंड एआई स्ट्रेटजी। एक चीज आप नोट करें, जो भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से यानी रेलेवेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रेलेवेंट है, तो उसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एजाइल से पहले हम जो भी वाटरफॉल जो तरीका था सॉफ्टवेयर बनाने का कि किस तरह आप यानी रिक्वायरमेंट कलेक्ट करते हैं, फिर आगे क्या काम करते हैं, फोर्थ काम क्या करते हैं, फिर आप डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, फिर आप टेस्टिंग करते हैं, फिर यूजर को देता, फिर दोबारा आइट्रेशन चलती रहती थी। तो वाटरफॉल के अंदर आपकी जो स्ट्रेटजी होती थी वो सबसे टॉप पे आती थी, लेकिन एआई ट्रांसफॉर्मेशन में कहां पे आ रही है, चौथे नंबर पे। कुछ समझ आ रहे हैं कि भाई अब आप स्ट्रेटजी बनाओ कि अब आप अपनी कंपनी में कहां कहां एआई लगाना चाह रहे हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट को आप ऑटोमेट करना चाह रहे हैं, ये चीज समझ आ रही दोस्तों। चौथे पॉइंट आइए, जबकि पहले ये नंबर वन पे होती थी वाटरफॉल वगैरह में, इसकी वजह देखो ये पॉइंट खुद बता रहे हैं, एआई आती नहीं थी। अब आपने नंबर वन के ऊपर एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है तो आपके पास एक्सपीरियंस है, पहले आपके पास टीम ही नहीं थी एआई की, अब आपके पास इन हाउस टीम है। पहले जो टीम में अगर लोग भी थे वो जानते ही नहीं थे एआई से क्या हो सकता है, अब जो आपके बोर्ड मेंबर हैं, आपके यानी लाइक मैनेजर्स हैं, सारे के सारे एआई के बारे में जानते हैं। अब आप बैठे और फिर डिस्कस करें कि अब क्या हम कर सकते हैं, तो ये सबसे बेस्ट वे होगा। पांचवा पॉइंट क्या है कि आप मेरा और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग रखनी है। किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी कामयाब तरीन प्रोडक्ट को अगर आप उठाएं, उसके अंदर जो लीडर है ना उसकी कम्युनिकेशन इंटरनल और एक्सटर्नल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों, अब देखें अगर हम इन हाउस टीम की बात करते हैं, मैं चाह रहा हूं कि यार जो भी बंदा आए उसकी अटेंडेंस ऑटोमेट लग जाए, ठीक है, उसका चेहरा देख के अटेंडेंस लगा दे। अच्छा, अब क्या हुआ, मैंने इंटरनल कम्युनिकेशन ये किया अपनी टीम को, बताया ये चीज बनानी है, मेरी टीम समझ ही नहीं पाई, उन्होंने बोला सिर्फ तस्वीरें कलेक्ट करनी है और जो बंदा आ रहा है जा रहा है उसके सिर्फ काउंट लगा दो। तो अब क्या हुआ, काउंट लगाना एक अलग बात थी और मेरा मकसद क्या था कि अटेंडेंस उसकी मार्क होना चाहिए। अटेंडेंस मार्क वाली अगर बात मैं नहीं समझा पाया इंटरनल कम्युनिकेशन में, या मैं जो बोर्ड मेंबर से मैं उनको बताना चाह रहा था कि एआई से हम क्या क्या बेनिफिट्स बैंक को पहुंचा सकते हैं, इंटरनल कम्युनिकेशन मेरी स्ट्रांग नहीं थी, तो इसका मतलब क्या, वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम या तो होगा ही नहीं, या होगा भी तो वो जो मैं चाह रहा था वो नहीं होगा। इंटरनल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन आपकी आउटसाइड ऑफ द कंपनी, आपकी जो भी कम्युनिकेशन होती है स्टैक होल्डर से हो, तो अब आपकी जो आउटसाइड कम्युनिकेशन होती है, लाइक आपने एक दुनिया का बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, आपके एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या है, आपके कस्टमर्स,
आपने कस्टमर्स को बताया नहीं कि हमने एक एआई का मॉडल बनाया है, आप उससे ये काम कर सकते हैं, आप लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान आपके उर्दू कैप्शंस वगैरह उसके ऊपर आ सकते हैं, आप लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान ये काम कर सकते हैं, अगर आप नहीं बता पा रहे तो क्या होगा, आपके यूजर को पता ही नहीं कि इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसके आपने मार्केटिंग ही नहीं की। अच्छा, फिर दूसरा क्या है, आपके जो भी रेगुलेटरी है, रेगुलेटरी या लाइक यूबीएल या पाकिस्तान में जितने भी बैंक्स हैं उनको कंट्रोल कौन करता है दोस्तों, रेगुलेटरी कौन है, स्टेट बैंक। अच्छा, अब स्टेट बैंक ने ये शर्त रखी हुई थी कि आपका जो भी प्रोडक्ट होगा उसका डेटा आप किसी भी प्राइवेट सर्वर पे नहीं रख सकते, क्लाउड पे नहीं रख सकते, और आपने रख दिया, आपने पूरा और पूरा जो डेवलपमेंट सिस्टम किया कहां पे रखा, क्लाउड पे रखा। यहां पे क्या होगा प्रॉब्लम, स्टेट बैंक ये बैंकिंग में एप्लीकेशन चलने देगा, नहीं। और अगर आपने चला भी दिया ना तो आपके बैंक में इतना अच्छा खासा जुर्माना होगा कि आपकी बैंक वाले बोलेंगे यार ये तो पैसे कमाने के लिए हमने बनाया था इतना सारे, यानी हम पे यानी एक चलान आ गया, ठीक है, जुर्माना आए तो किया, तो ये बड़ी प्रॉब्लम। तो ये चीजें आपको कुछ समझ आई कि छोटे से प्रोजेक्ट से स्टार्ट करना है आपको, छोटी सी कंपनी में अपनी टीम बनानी है, उन सबको आपको ट्रेन करना है। अब वो आप इंटरनेट से वीडियोस वगैरह से आपको यानी एंड्रयू एनजीओ को अपनी कंपनी में बुलाने की जरूरत नहीं है, मिलियंस ऑफ डॉलर उनको देने की जरूरत नहीं है, उनके बहुत सारे लेक्चर किताब है, बहुत सारी चीजें इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, वहां से आप ब्रॉड ट्रेनिंग करवाएं, कोर्स से वैसे करवाएं, बूट कैंप से, डेटा कैंप से करवाएं, किसी भी प्लेटफॉर्म से, ठीक है, तो उनकी ट्रेनिंग होगी, फिर हम स्ट्रेटजी बनाएंगे अब क्या करना है, और जब आपने बनाने के सोच लिए अब इंटरनल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी, ठीक है। इसमें जो मशीन दोस्तों बहुत आसान पॉइंट्स है, अच्छा अब हम आगे चलते हैं, ओके, नेक्स्ट है डिसाइडिंग अबाउट अ न्यू प्रोजेक्ट। आप जब भी कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं ना उसमें कुछ आपके पास डिलीजेंस यानी आ जाती है, डिलीजेंस क्या है भाई, लाइक आप कोई प्रोजेक्ट अगर बनाते हैं पहले क्या ये पॉसिबल भी है या नहीं, इज दिस इज इट्स फिजिबल प्रोजेक्ट और नॉट। अब कंसीडर करें, मैं कहता हूँ कि यार हम एआई से एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, हम उसको यानी कहेंगे कि लाइक टिक्का आ जाए, बिरयानी आ जाए, चरिया आ जाए, और वो कंप्यूटर से निकाल के हमें दे दे जी, तो पॉसिबल है उसी वक्त को किसी, तो नहीं है कि आप यानी कंप्यूटर से ये सारी चीजें निकाल लें, कैच व्हेन योर टोन माय डियर, इस लेवल में भी हम यहाँ ऑर्डरिंग कर सकते हैं भैया, आप किसी यानी लाइक अभी ऑर्डरिंग फूड पार्टनर्स वगैरह सारे सिस्टम अवेलेबल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बोले और वो खुद ब खुद निकल के कंप्यूटर से ही आ जाए, हवा से आ जाए। तो आपको ये चीज देखनी है कि ये जो पूरी आप स्टेप बता रहे हैं, रोड मैप बता रहे हैं, क्या ये पॉसिबल भी है या नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। आपने कोई ऐसा काम बोल दिया जो पॉसिबल ही नहीं है तो आप तो पूरी जिंदगी लग गए, तो करंट जो आपके पास यानी टेक्नोलॉजीज मौजूद है उनसे आप नहीं बना सकते। हफ्जा आप कुछ कहना चाह रहे हैं, डेटा स्क्रैपिंग और ऑटोमेट करना वेबसाइट्स को, जो छोटे छोटे टास्क होते हैं वो बताएंगे, तो आई थिंक मैं आपको याद दिलाना चाह रहा था उसके बारे में, ठीक है हमजा, याद है मुझे, थैंक यू। लेकिन उसके लिए पहले पाइथन हम करेंगे कंप्लीट, उसके बाद एंड के नए पैकेजेस हम देखेंगे, ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि फिजिबल तो हमने देख लिया, फिजिबल क्या है भाई, आप एफएस के जरिए तो ये काम कर सकते थे, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए तो ये काम कर सकते थे, लेकिन आप ये जो काम है क्या एआई के जरिए कर भी सकते हैं या नहीं, यानी एआई का प्रोजेक्ट है भी या नहीं, या आप खाली फिली बोल रहे हैं कि यार ये प्रोजेक्ट एआई का, जबकि आपका वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सिंपल सॉफ्टवेयर था, लाइक ग्रेडिंग सिस्टम बनाना, मार्कशीट जो आपकी बनती है, अब मार्कशीट के लिए मैं एआई का मॉडल ट्रेन करूं, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड दूं और उसके बाद वो सिर्फ मुझे बताए परसेंटेज और ग्रेड, तो आपकी परसेंटेज और जो ग्रेड है आप इफ एल्स से कितनी आसानी से बना सकते हैं, आपकी कितनी 7 कंडीशंस लग रही,
80 से अबव हो, 70 से अबव हो, 60 से अबव हो, 50 से अबव हो, 40 से अबव हो, 32 से अबव हो, या इसके अलावा जो भी हो, फेल हो, की कॉम्बिनेशन ये सात कंडीशन इफ एल्स लगा के मैं ये सॉकेट कितनी आसानी से बना सकता हूँ। मुझे क्या जरूरत है मिलियंस ऑफ दूं और उसकी बेस पे मैं मॉडल करना है उसका ग्रेड ये बनता है। तो सिंपल जैसा है दोस्तों, हमें देखना पड़ता है कि जो आप काम कर रहे हैं बोल रहे हैं बेसिकली डेटा सर्वर पे होगा, क्लाउड पे होगा, वहां पे ये काम होगा, ये डेटाबेस ये कनेक्ट होगा, यहाँ से ये चीजें होंगी। तो जो भी आप एक टाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी आप पाइपलाइन सोचते हैं, क्या वो फिजिबल है, बन भी सकती है या नहीं, या ऐसी टेक्नोलॉजी जिन्हें आप सिर्फ हवा में उड़ाते छोड़ रहे हैं, इंसान ही आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बस ये टेक्निकल डिलीजेंस होती है, मतलब बिजनेस डिलीजेंस। तो सबसे पहले आप बिजनेस डिलीजेंस क्या है, आपका जो क्या नाम है बिजनेस है, तमाम चीजें बिजनेस डिपार्ट है, इस वजह से बिजनेस डिपार्ट को कैसे बिजनेस रेवेन्यू जनरेट हो रहा है जी दोस्तों। अच्छा मुझे कोई कंफर्म, अगर मैं डिटेक्ट कर लूँ ये बंदा फ्रॉड करेगा नहीं करेगा, मैं उसको ब्लॉक कर लूँ, कोई फायदा हो रहा है, क्लियर आ रही है, मुझे तो सही आ रही है। अब यहाँ पे बड़ी इम्पोर्टेंट बात, हमारे पास साल में फ्रॉड के केस अगर आते हैं वो 1 लाख रुपए के होते हैं, 1 लाख का फ्रॉड होता है, वो हमें पैसे बैंक के लिए 1 लाख रुपए कुछ नहीं है, बहुत कम अमाउंट से समझाने के लिए। अब क्या हुआ, आपने ये जो यानी एनोमली डिटेक्शन या फ्रॉड डिटेक्शन का ये जो एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसको बनाने के लिए 25 मिलियन रुपीस आपके खर्च हो रहे हैं। तो कहां 1 लाख रुपए, कहां 25 मिलियन। 25 मिलियन का मतलब क्या हो गया, 2 करोड़ 25 लाख, नहीं 2 करोड़ कितना होगा, 50 लाख, 2 करोड़ 50, ठीक है 25 मिलियन, ठीक है 2.5 बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपकी जो 25 मिलियन है वो आपके क्या हो रहे हैं, यहाँ पे खर्च हो रहे हैं। तो ये तो भाई बड़ी प्रॉब्लम हो गई ना, 2 करोड़ 25 लाख के रुपीस 2 मिलियन होते हैं, ठीक है। तो आपके 25 मिलियन खर्च हो रहे हैं, अब मुझे ये बताएं क्या हमें ये प्रोजेक्ट बनाना, मैं एज अ बिजनेस डिपार्ट कि यार साल में 1 लाख रुपए दे दूं या 25 मिलियन में दूं, क्या चीज बेहतर है? सर बेहतर है लाख रुपए खर्च हो जाए, फ्रॉड हो जाए वो ज्यादा बेहतर है ना, फ्रॉड हो जाए मैं उस कस्टमर को दे दूं यार तुम्हारे 1 लाख रुपए बंदे ले लो मुझसे, 25 मिलियन क्यों लगाऊं। तो सवाल यहां पे यही आता है कि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो दिखने में सुनने में बड़े अच्छे होते हैं लेकिन उनकी जो एग्जीक्यूशन कॉस्ट आती है ना वो बहुत ज्यादा होती है। तो जब एग्जीक्यूशन कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी तो आपका बिजनेस आपको बोलेगा यार इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा और बाद हाँ बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा और क्या होता है, बाद औकात और भी यानी प्रॉब्लम आती, ठीक है। बिजनेस अभी ना एक चीज सेल करना चाह रहा है, उसने एक नया प्रोडक्ट बनाया क्रेडिट कार्ड, ठीक है, वर्चुअल आपको यानी टैप एंड पे की एक सर्विस आई। तो अभी 2022 के जनवरी से लेके जुलाई तक मुझे ये प्रोडक्ट सेल करना था, तो मैंने बोला रिकमेंडेशन इंजन बनाओ जिसके अंदर मैं क्या चीज सेल कर सकूं, टैप एंड पे जो नया फीचर आया था कि आप अपने मोबाइल को किसी भी यानी मशीन के ऊपर जस्ट टैप करते हैं और उससे यानी आपकी ट्रांजैक्शन हो जाए, तो टैप एंड पे। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, कब तक सेल करना था मुझे, जून तक जुलाई तक। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसको बनने में दिसंबर लग गया। अब बताएं बिजनेस के काम का है या नहीं? नो सर जी नहीं। इसके तब क्या हुआ, बिजनेस बोले मार्च आ गया या लाइक जून आ गया, मैं इसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा, मेरी कहानी खत्म, ठीक है आप करते रहो, मेरी तरफ से अब कुछ भी नहीं, मेरे किसी काम का नहीं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, टेक्निकल डिलीजेंस आपको देखनी पड़ती है और दूसरा क्या है, बिजनेस डिलीजेंस। क्लियर ये दो चीजें दोस्तों, दोबारा अपना सवाल रिपीट करें, क्या चाहिए हमें?
तो मैं इसको चार्ज पे लगा रहा हूं थोड़ी सी नॉइस आ रही है डिस्टर्ब यू एक तो आपकी स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है नेक्स्ट बल्कि मैंने इसको चार्ज पे लगाया था तो वो चार्जर सही नहीं लगा वॉइस ना इको कर रहा है नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कल इसको चार्ज पे लगा दूंगा मैं जरा से नॉइस की कितनी यानी बहुत ज्यादा है वॉइस सर डिस्टॉर्शन आ रही है और डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा नॉइस है समझ भी नहीं आती है अच्छा अब मुझे जरा एक मिनट में पाकिस्तानी जवाब कर रहा हूँ पाकिस्तान जवाब ये है कि मैं अपने लैपटॉप तो मशीन स्क्रीन शेयर किया हूँ और दूसरा मैं काम करता हूँ एक मिनट मुझे फीचर इंजीनियरिंग मैं अपना मोबाइल का मतलब एक मिनट हर अच्छा सिंपल में ये कह रहा हूँ कि मॉडल को डेटा देने से पहले खाने से पहले अच्छा अब ये चीजें मैं देख लेता हूँ शायद वॉइस वगैरह यहाँ से अब बताएं वॉइस सही हुई जी तेज हुई वॉइस जी सर जी पर वॉइस ठीक है बिल्कुल वॉइस हमारी तरफ तो नेवी है अच्छा अभी बिल्कुल ठीक है वॉइस जो इको थी वो खत्म हो गई है थे अच्छा दोस्तों मुझे बताएं मेरी आवाज आ रही है आपको जी सर यस सर अच्छा अब पाकिस्तानी जुगाड़ है कि हम अपने मोबाइल से आवाज ले रहे और दूसरा जो है स्क्रीन जो है अपने लैपटॉप से ठीक है परफेक्ट कोई मसला तो नहीं आ रहा अभी तक वॉइस बिल्कुल परफेक्ट सर बिल्कुल सही आ रहा सर थोड़ा सा ठीक है अच्छा नेक्स्ट क्लास में कोशिश करें कि सबसे सब हेडफोन लगा के क्लास को लें तो वॉइस की जो क्वालिटी होगी वो आपको कम है लेकिन ताकि आप सब यार आईटी से रेलेवेंट है तो मुझे बेटर जानते हैं लेकिन मैं चाह रही हूं मशीन लर्निंग की सबसे बड़ी आवाज अभी कम है प्रॉब्लम ये थी कि फीचर इंजीनियरिंग आपको खुद करना पड़ेगा अगर मैं किसी बच्चे को कोई चीज सिखा रहा हूं ना हेडफोन का इस्तेमाल क्या करूंगा पहले मैं उसको एक तस्वीर दिखाऊं और उस तस्वीर के साथ बैकग्राउंड भी है बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बहुत सारी चीजें और मैं कहता क्या ये तस्वीर देखो इसके अंदर ये कैड है अब बच्चा क्या होगा जो भी उसको इधर उधर से मुख्तलिफ चीजें दिख रही है बैकग्राउंड दिख रहा है दूसरा ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं परेशान हो रहा है यार कौन सी चीज कैड है ठीक है हम इसमें करते हैं फीचर इंजीनियरिंग तमाम चीजों से सिर्फ जो केट है ना उसको निकाल के आप बच्चे को दिखाएं जितना बैकग्राउंड है जितने दूसरे ऑब्जेक्ट है उन सबको हम क्या करें मिटा दें और सिर्फ क्या प्रोवाइड करें सिर्फ कैट की तस्वीर प्रोवाइड करें इसे कहते हैं सिस्टम जो है भाई वैल्यू जो चीज है वही निकाले तो ये मुश्किल मशीन लर्निंग में आ सकते हैं पॉसिबल करना पड़ता था कि भाई जैसे ही आप इसका जो सोल्यूशन आया इसका सोल्यूशन आया था ट्री की उसमें कोई भी चीज आप लर्निंग की जहां भी बात डिटेक्ट करें डिटेक्ट करने के बाद नेटवर्क पे वो जा रहा है न्यूरल नेटवर्क से उसको इस्तेमाल करते हैं और इसका पायलट है बड़ा फायदा ये है कि ये नंबर पे कॉल करे वो अलर्ट करता है और डायरेक्टली उसको जाके टारगेट
इंसान को हटा दिया जाए और उसके बाद फाइनली आप देखेंगे कुछ भी नहीं कह सकता कि इतना बजट में आता है ऐसे कौन से बोल की कोई इस्तेमाल हो रही है असल में आप देखें एग्जांपल आप कहने फीचर इस्तेमाल किया होगा उसका यानी ट्रांसफर के दौर में क्या इस्तेमाल होता है आपके 2-3 हज़ार रुपए का ना लाइक करके जो होता है ना वो जल जाता है। गूगल डॉक्स ने फीचर प्रोवाइड किया कि आप इनपुट मेथड वहां से कीबोर्ड को बड़े पैमाने में आप कर दें वॉइस या माइक तो इसी तरह आप सोच ठीक है आप बोलते जाए आपका जो डॉक से वो खुद ब खुद प्रोवाइड करता रहता है इसे हम कहते हैं क्या में सारी जो एग्जाम्पल्स है कोई भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आता है उसको डिटेक्ट करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उसपे कुछ डिसीजन लेना कि ये पीस सही है या ये पीस खराब है उसे हम क्या कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग। ओके फारूक आप कुछ ठीक है यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम बल्कि हमने यहाँ तक डिस्कस किया था आपने बेसिकली एआई जी सर जी यहाँ तक ठीक है मतलब ये बेसिकली एआई जितना मैं समझ रहा हूं ये फंक्शन तो आज की स्टडी में करना क्या कि हमें कुछ जो क्लासेस हम ले रहे हैं उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल में आपने कुछ इस तरह के एल्गोरिथम या मॉडल वगैरह आई यूज किए इंप्लीमेंट आज की क्लास में बड़ा मजा आने वाला है एंड सेशन के अंदर हम यानी कोडिंग प्रोग्रामिंग को देखेंगे जी जी अरे फारूक हमने हमारा जो कोर्स है ना 98% जो है ना वो थ्योरेटिकल नहीं है वो हमारा टोटली दोस्तों सवाल ये है तो हमने प्रीवियस जो हमारे बैच गुजरे हैं या अभी करंटली चल रहे हैं नेटवर्क तो पुराना हो गया उसके अंदर ये चीजें हम सवाल ये हैं कैसी क्या वजह ठीक है टेक्निकल और बिजनेस इंटेलिजेंस आपको समझ आ गया दोस्तों ट्रेडिशनल एआई ठीक है तो ट्रेडिशनल एआई में अगर आप चेक करें कोई मसला तो नहीं था डेटा जितना ज्यादा हो इंटेलिजेंस जो हम प्रोवाइड करते हैं प्रोग्रामिंग जो हम प्रोवाइड करते हैं बिजनेस जो हम लिखते हैं लॉजिक जो हम लिखते हैं ठीक है बिजनेस इंटेलिजेंस क्या है उससे ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस आप लॉगिन सिस्टम बनाते हैं या आप किसी को लोन देने का एक मैकेनिज्म बनाते हैं तो उस डोमेन का जो एक्सपर्ट है यानी बैंकर जो है वो आपको बताएगा कि यार उसकी सैलरी चेक करो उसकी हिस्ट्री देखो क्रेडिट कार्ड वगैरह की और 10 चीजें तो वो 10 चीजें आप चेक करेंगे उसी की बेस पर आप बताएंगे इसको लोन देना है या नहीं 12 लाख रुपए महाना हमारे ये जो डेटा है अब मेरे पास मिलियंस ऑफ यूजर्स की एप्लीकेशन आ जाए मेरे सिस्टम पे जो मैंने 10 चेक लगाए उसके अलावा कोई परफॉर्मेंस अप हो सकती है एक घंटा या चलो ये प्रोग्राम और वो स्मोक ब्रेक और क्या उसकी 11वां चेक वो खुद ब खुद चेक कर सकते हैं जो डेटा बार बार आके 8 घंटों में 6 घंटे काम कर रहा है 6 घंटे कंडीशनल प्रोग्रामिंग की परफॉर्मेंस कितनी आती है कि एक बंदा जो है वो
के ऊपर लाइक 50 या 100 जो हैं प्रोसेस कर पाता है. ठीक है, अब मुझे पता चला कि यार ये 12 लाख का अब हम बात करते हैं. हमने सबसे पहले यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क वाली जो कंपनी न्यूरल नेटवर्क सबसे एडवांस वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे लगा अब वो इसी सारी मेंटेनेंस सब चीजें वो साइज करके दे रहा है बनाना सीखेंगे. तो अब मॉड्यूल आप क्या कहते हैं हमें करना चाहिए? यहाँ पे आप देखें कि आपने एक न्यूरल नेटवर्क सबसे एडवांस एल्गोरिथम जो है वो रहना चाहिए ना 12 लाख की कॉस्ट. कि जो छोटा नेटवर्क है जिसकी लर्निंग की कैपेसिटी कम है और इस्तेमाल कर छोटा बच्चा होता है मेरे बंदे भी फ्री हो गए उसकी लर्निंग की कैपेसिटी की हद है उस लेवल पे जाके वो अपनी इंटेलिजेंस बिल्ड कर सकते हैं. पे भी आप चीज वही आप देखेंगे कि आप जितना डेटा बढ़ाते जा रहे हैं आपकी परफॉर्मेंस ब्लू कलर की अप होती जा रही है. लेकिन एक सेकंड पॉइंट आपको मनाना डेटा मनाने सिखाए जा रहे हैं ऑडियो से हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं. मैक्स वाला क्या है पर्पल कलर में इंग्लिश से चाइनीज में क्या चेंजिंग आप देख रहे हैं मशीन. आप किसी यूजर को इस ग्राफ के अंदर देते हैं ऐड दिखाते हैं यूजर की इंफॉर्मेशन डालते हैं यूजर उस पर क्लिक करेगा या नहीं खरीदेगा. लेकिन फिर क्या हुआ यहाँ पे जो फोन खरीदते हैं और वो हद क्या है वो हद ये है खराब मैक्सिमम के ऊपर आके उसकी जो लर्निंग है वो कांस्टेंट हो जाए. इसी तरह लार्ज न्यूरल नेटवर्क कुछ एग्जांपल्स दिए हैं इसके अलावा भी स्मार्ट टास्क हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग. डेफिनेशन से अगर मैं बात करूं ये क्या यानी आपकी ऑब्जर्वेशन एक कांसेप्ट बिल्ड हो रहा है कि न्यूरल नेटवर्क का साइज जितना हमारे पास एक टैक्स आता है सबसे नीचे लर्निंग की कैपेसिटी उतनी बड़ी इनपुट लिखा और उसमें हम ये बता और रहे हैं कि यहाँ पे आप यानी ब्लू कलर पे देख रहे हैं कि एंड पॉइंट यहाँ पे लार्ज डेटा आ रहा है जहाँ पे उन्होंने एक पॉइंट बुलेट्स बना के लिख दिया बिग डेटा. ये नीचे हेडिंग के बाद जो बिग डेटा की सिंपल डेफिनेशन so I was not able to give it to my computer or to my hybrid. Can I return? मैं अगर आपको कहूँ कि 3 TB का डेटा है क्या आप उसको अपने सिस्टम में लोड कर सकते हैं? नहीं आप लोडिंग कर सकते हैं. हमें ये चीज समझ आ रही है रैम की जो कैपेसिटी है वो 16 GB है और 3 TB का डेटा आप कैसे हैंडल कर सकते हैं? वो कह रहा है कि अब ये मैंने यहाँ पे आप अगर सिंगल मशीन से हैंडल ना कर पाए इस वक्त हम मशीन से ये बता सकते हैं ये जो एप्लीकेशन है जो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ हम स्पार्क में हैंडल के ऊपर ये सारे काम कर सकते हैं अब अगर ये यानी ये जो काम होता अच्छा तो पहली वजह तो हमें क्या पता चली जी अजय नोटेशन जो है इंसान बोलता ओ सॉरी टू हैड भाई दो दिन लेट पहुंचा और आपकी यानी नवासी की बर्थडे थी और आप उसको नहीं दे सके. आई होप यू नाइसली हैड अ गुड बर्थडे. नहीं 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 तो हम उसको थोड़ा सा यानी उसको अप्रिशिएट डेटा की या उसकी जो भी है जज्बात चलिए बिग डेटा हम कह रहे थे बिग डेटा से और उसके बाद हम कह रहे हैं लर्निंग की कैपेसिटी हेल्प विद ठीक है. तो यहाँ भी आप ये चीज बताना चाह रहे हैं कि बिग डेटा अगर आप ट्रांजिशनल एआई पे लगाते हो स्मॉल पे भी लगाते हो लर्निंग कैपेसिटी पीछे की खत्म हो गई थी इतने से डेटा से मेरा काम चल सकता था मीडियम पे भी काम चल सकता था. लेकिन जब हमारे पास बिग डेटा होता है तो ये चीज हमें ऑब्जर्वेशन से पता चली कि जितना बड़ा डेटा होगा उतना बड़ा नेटवर्क होना इस एल्गोरिथम तक यानी पहुंच चुके हैं कि आप इस तरह की भी चीजें अदरवाइज जनरेट कर सकते हैं. तो मशीन लर्निंग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आप कम डेटा लेके हम बड़ा नेटवर्क लगा दें ये रिफंड प्रॉब्लम आती है या परचेस की है या शिपिंग की है या क्या है क्या है उसकी डेफिनेशन नहीं बता कोई और यानी टाइप जो भी आप फिल्म याला जो प्रॉब्लम क्या फेस करेंगे समझते हुए इस तरह से जवाब दें मशीन के लिए ये पॉसिबल नहीं है. पहली चीज क्लियर है दोस्तों ये मशीन एक लेवल
उसी तरह का एक जवाब अभी हम थोड़ी देर बाद न्यूरल नेटवर्क पर्टिकुलर वर्ड और एक एग्जांपल अभी मैं आगे देखूंगा ठीक है जिस तरह इंसान के दिमाग के अंदर आप तो देखिए आइडेंटिफाई द इंटेंट ऑफ द कस्टमर जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं ना उनको आगे पास होने या फिर परचेजिंग की या जो भी स्टॉप कर वो तो आपको बता दे थोड़ी देर बाद राइट एन इंपैथिक रिस्पांस टू द कस्टमर सर नॉट सर एक सवाल है सर प्लीज आपकी जरा ये जो डायग्राम है ये दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं ये वाला डायग्राम जो आपने अभी शो किया है जी सर ये वाला प्लीज अच्छा मैं सिंपल कह रहा हूँ प्रोग्रामिंग के उसमें इफ एल्स हम लिखते थे प्रोग्रामर सारे रूल्स बताता था तो प्रोग्रामर एक हद तक जो है ना रूल्स जैसे यूरोप साइड पे मैंने अक्सर उसके बाद आपके परफॉर्मेंस अगर 10 चेक लगाए तो 10 चेक के बाद 11वां चेक खुद नहीं लगा और तो ये ट्रांजिशन सीनियर सिटीजंस जिनसे छोटा न्यूरल नेटवर्क लगा दिया जो कि हमने अभी एडवांस टाइप इसके अलावा सिरी लाइक न्यूरल नेटवर्क जो कि सब यानी फीचर एंजिंग वगैरह सारी चीजें खुद तरीके से रिकॉग्नाइज करती है वॉइस अगर छोटा नेटवर्क लगाते हैं तो उसकी भी लर्निंग उसकी लर्निंग आपकी यानी क्या होगी ट्रांजिशनल से ज्यादा है लेकिन एक हद पे आके आपके स्मॉल न्यूरल नेटवर्क की भी हद हो जाएगी उससे ज्यादा वो परफॉर्मेंस नहीं देगा मीडियम आप उससे अगर थोड़ा बड़ा नेटवर्क लगाए उसके साइज अभी हम देखेंगे साइज क्या होता है तो उसकी लर्निंग और बढ़ जाती है और अगर आप उससे बड़ा नेटवर्क लगाए तो उसकी लर्निंग और बढ़ जाएगी अगर इससे भी बड़ा नेटवर्क लगाऊंगा तो उसकी लर्निंग और ज्यादा बढ़ जाएगी क्या बनाएंगे आप ठीक है बस इतना तो इसके अंदर वही वाली चीज है मेरा कि आपके लिए सवाल आए तो आपको क्या जवाब देंगे प्रोडक्ट के बारे में पूछा प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं तो अभी आप देखते हैं फेसबुक के ऊपर आप जाते हैं आप जैसे यानी किसी भी प्रोडक्ट के पेज के ऊपर क्लिक करते हैं मैसेज के ऊपर तो वो आपको एकदम से जवाब देते हैं आप बिग डेटा देते हैं अप्रिशिएट टू यू मिलियंस ऑफ केसेस में अपने 10 नियम जिसके बाद वो चेक लगाए हैं उसके अंदर आप देखेंगे आपकी परफॉर्मेंस खुद ना खुद उसने बढ़ा न्यूरल नेटवर्क के अलावा मीडियम न्यूरल नेटवर्क आपके लगाया आपने लार्ज न्यूरल नेटवर्क लगाया तो डेटा हमारे पास है जैसे जैसे आपका डेटा भी बढ़ता जा रहा है पहली चीज प्रोडक्ट जैसे जैसे डेटा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे परफॉर्मेंस भी बढ़ती जा रही है उसकी डिटेल के करके भी पूछ सकते हैं तो प्रोडक्ट के बारे में ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग या ट्रेडिशनल एआई कि यूबीएल क्या अब वर्ड यहां पे ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग अगर मैं कंसीडर करता हूं तो इफ एस वर्ड वाली हम कर सकते हैं सर्विसेज क्या दे और अगर मैं ट्रेडिशनल एमएल की बात करता हूं मशीन लर्निंग के जो पुराने एल्गोरिथम है न्यूरल नेटवर्क से पहले ट्रेन मॉडल है रैंडम फॉरेस्ट वगैरह खुद भी डिफाइन कर सकते हैं और पहली की यानी जो चीज है वो भी आप डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेन मॉडल उनकी भी एक परफॉर्मेंस आती है यानी तो रेड वाली आपकी ट्रेडिशनल एआई को सपोर्ट करता है ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग अगर हम करेंगे ना ये आपका होमवर्क हो गया तीन चीजें पहली चीज मुझे पता चली कि हमारे पास डेटा नहीं कौन से जितना ज्यादा मैं डेटा बढ़ा रहा हूँ उतनी ज्यादा उसकी लर्निंग अच्छी आंसर आप लिख सकते 1960-1950 के अंदर अभी जो फेसबुक डेटा जनरेट कर रहा है गूगल का डेटा जनरेट कर रहा है इस क्वांटिटी में डेटा नहीं प्रोग्रामिंग नहीं आपको गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जीमेल यानी मशीन लर्निंग का और पेट्रोल जो आपका ईंधन है वो डेटा अगर आपके पास ईंधन ना हो तो आप गाड़ी नहीं चला सकते इसी तरह आपके पास ईंधन ना हो होमवर्क क्या नहीं कर सकते आप
मैंने ये लिंक आप लोग को दे दिया, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा ग्रेजुएशन के अंदर, हर दो साल के अंदर आपकी ये डायलॉग लोग आपके पास यूट्यूब के ऊपर जाए, उनका साइज छोटा होता जाता है और यहाँ पे आप क्वांटिटी उनकी बढ़ती जाती है, साइज भी छोटा होता है और उसकी कंपटीशन पावर डबल होती जा रही है। ठीक है, तो डॉक्टर मोरे जो कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर अभी भी यानी वर्क कर रहे हैं, तो कोई मुश्किल उन्होंने यानी ये लाइक 90s के अंदर ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो आप देखें इस वक्त जो कंप्यूटेशनल पावर है 1960 में आपने देखी होगी लाइक 50 एमबी की एक हार्ड डिस्क थी जो 3 मंजिला बिल्डिंग के बराबर मेथड्स वगैरह भी मांग रहे हैं, और आज आपके पास जो 50 एमबी या 300 एमबी जो भी है उसकी कोई अहमियत नहीं, एक जो या तीन आपको पिक्चर है मैं भी वो इतनी कैपेसिटी कंज्यूम कर रहा हूं, पेमेंट मेथड मांग रहे तो दे देंगे। तो हमारे पास ना स्टोरेज पावर थी ना उसको परफॉर्म करने के लिए उसको प्रोसेस करने के लिए हमारे पास प्रोजेक्ट कंपटीशनल पावर, पर्सनल प्रोजेक्ट में वो पैसे नहीं मांग रहा, ऑर्गेनाइजेशन का डाल रहे हैं ना, लेकिन अब चार्जेस ले। ठीक है, तो दो चीजें हमें पता चल गई कि पहले के दौर में, दूसरा पॉइंट हमें पता चला कि हमारे पास क्या नहीं, अभी तो आप इससे बना ले कंपटीशनल पावर नहीं। ठीक है, ये ड्रैग एंड ड्रॉप है यूजर। तीसरी चीज और मैं यहाँ पे उन्होंने कहा तीसरी चीज एल्गोरिथम में इम्प्रूवमेंट, तो बाकी तो हम ये पूरा बनाना भी खुद देंगे। तीसरी चीज हमारे पास स्कैनिंग के ऊपर जो हमारे एल्गोरिथम थे उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम क्या थी आहिस्ता आहिस्ता हम यानी डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो एक फंक्शन यानी बनाया था एक्टिवेशन फंक्शन आपके पास है सॉफ्टमैक्स ऑनलाइन कोर्सेस करवा रहा है, एक है वैल्यू कोर्सेस करवा रहा है विजन के लिए जो फंक्शन यानी आपका सबसे बेस्ट काम करता है, एक्टिवेशन फंक्शन का नाम है वैल्यू जो कि वन से प्लस में जो भी वैल्यू होती है प्लस भी रहने देता है प्लस में रहने देता है, और अगर कोई भी वैल्यू माइनस में आती है जीरो से कम आती है तो उसको खुद ब खुद जीरो किसी भी तरीके से। ठीक है, तो ये वैल्यू फंक्शन बनाया था, इसकी परफॉर्मेंस इसकी वजह से आपकी जो लर्निंग है बहुत अच्छी है। ठीक है, तो वो तो आपको जवाब देगा। तो ये आपको पता चल गया कि तीन चीजें हैं जिसकी वजह से 2012 में जो आपका एक बूम दोबारा रेज हुआ। आप तीन चीजें क्या क्या दोस्तों क्वेश्चन डालना चाहेंगे, रिपीट करना चाहेगा तीन चीजें क्या बड़ा फायदा दोस्तों ये है कि जब आपका मॉडल बन जाएगा ना यानी डायलॉग फ्लो का चैट सर एक तो डेटा की अनअवेलेबिलिटी कनेक्ट कर सकते हैं, आप उसको अपने फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप उसको अपने यानी Zoom के Zoom में सॉरी आपके लाइक पहले हम कौन सा वो करते थे सॉफ्टवेयर Skype चैट लास्ट क्या आपके पास कर सकते हैं एल्गोरिथम और बेशुमार आपकी सर्विसेज हम के साथ आप कर देंगे कनेक्ट कर दिया। अब ये क्या है, व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट आईडिया, अब आपके आके कोई भी सवाल करता है मशीन लर्निंग अच्छी हम सारे पढ़ चुके हैं, तो आप तो इसको हम सिर्फ गो थ्रू करें कॉन्टेक्स्ट एंड मशीन लर्निंग में सुपरवाइज लर्निंग करके आपका हेल्प लर्निंग आपको अच्छी तरह याद होगी कोई भी चीज में आप वो आपकी सपोर्ट करता है। सबसे पहले तो उसको मैं दिखाता हूं कि ये चीज और इसको ऑटोमेट जवाब दिया होगा उन सबको, यानी लाइक मैं आपको कोई चीज अगर दिखाऊं हैंडल करता फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो अब आपके पास लाइक मैं आपको ये दो चीज उठा के दिखाता हूँ, आपने तस्वीर देखी है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, वो मैं आपको बताया, इसको कहते हैं हम, इसको मैं कह रहा हूँ इसको कहते हैं माइक। आप अगर जिंदगी में फर्स्ट टाइम सीखे होते हैं तो आप जब भी आप इस तरह की कोई चीज देखे आप उसको क्या बोलते हैं, माइक। अच्छा, मैंने अभी माइक से कहा तो आप माइक कहते हैं, लेकिन भाई सही कहने डेसरी ये स्पीकर ही है जो आप लोग जानते हैं। अच्छा, तो अब मैं आपको कोई भी चीज आप यानी सिखाऊंगा, लाइक इसको हम कहते हैं रिमोट। ठीक है, इसको हम कहते हैं लाइक मोबाइल। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी क्या है, ये एम्पैथिक रिस्पांस को रिप्लाई करना, आपका जो सुपरवाइजर है वो आपको कोई चीज सिखाता है लेकिन नाम और उसके बारे में आपको बता हो सकता है बहुत सारे एम्पैथिक रिस्पांस और उसके साथ जो लेवल है उसका जो मैप होता है उसे हम कहते हैं बी। तो हमारे जो सुपरवाइज लर्निंग है, सुपरवाइज लर्निंग के अंदर जो कॉन्सेप्ट बहुत सारे जो होता है उसके अंदर सबसे जो जनरल चीज हम सीखे वो क्या है, ए टू बी मैप हम काम कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज है आपके पास अगर डेटा नहीं लॉजिक में कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ भी नहीं कर सकते अगर आपके पास डेटा नहीं।
फिर क्या कहते हैं डेटा मैपिंग की इन्होंने सबसे टेबुलर डेटा के ऊपर ना आपको सिखाने के लिए एक एग्जांपल दिखा टेक्निकल इंटेलिजेंस हम एआई एल्गोरिथम बनाते हैं मशीन को सिखाने के न्यूरल रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो यहां पे क्या उस प्रॉब्लम में क्या मशीन को हम ए इनपुट देते हैं इनपुट में क्या बता रहे हैं आपकी हर घर का साइज बता डेटा अगर किसी भी घर का साइज तो आप कुछ भी नहीं कर सकते स्क्वायर फीट होता है तो बस यहां उसकी कीमत क्या होगी दोस्तों तो आपको डेटा कलेक्ट करने में अच्छा खासा टाइम लगता है डॉलर में सेल्फ ड्राइविंग कार की बात हो रही है 115,000 सेल्फ ड्राइविंग कार में क्या है अच्छा रियल वर्ल्ड में भी ऐसे ही होता है ना अगर आप स्टेट एजेंसी का काम करते हैं तो जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं कैमरास लगे हैं आप यानी और भी रडार लगे हैं रडार में यही होता है कि यार इतना बड़ा घर है अच्छा इसका ये साइज कितने का है देखा इतने लाख का आपने कहा दूसरा घर आपने देखा उसका ये साइज है सेम साइज है लेकिन उसकी कीमत क्या है थोड़ी सी ज्यादा है फिर आप देखते हैं कि उससे थोड़ा सा बड़ा घर है उसकी यानी क्या प्राइस है यहाँ पे अब क्या होता है कि जिस यानी एरिया में आप काम कर और उसके आगे उसकी कीमत अब आप बताएं मैं जितना ज्यादा आप सर्वे करेंगे उतना ज्यादा आपकी लर्निंग हो जाएगा रियल एस्टेट में आपका एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाएगा और आप बता सकते हैं कि यार मैं कहता हूं कि मेरे पास इतने मिलियन रुपीज दोस्तों 5 करोड़ या 6 करोड़ तो मुझे बताएं कराची की कौन से अच्छी शहर यानी आपकी यानी एरिया में मैं ले सकता चलते हैं मैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आपकी ये रेंज है तो सबसे बेस्ट आपके लिए एजुकेशन हुई चीजें तो वहाँ पे इतने स्क्वायर फीट का आपको जितना ज्यादा मैं आपको डेटा दिखाऊंगा जितना ज्यादा आप सर्वे करेंगे उतना ज्यादा आपकी सवाल कर रहा था या बिल्कुल अच्छा मुझे बताएं ए टू बी मैपिंग यानी मैं घर का साइज बताऊं और आप मुझे पैसे बता कमिटमेंट करें तो मैं आपको ए टू बी मैपिंग इसको चेंज कर सकते हैं यानी एक एल्गोरिथम है कि मैं आपको साइज बताता हूं आप पैसे बताते हैं और क्या हो सकता है आपका मॉडल इसी को उल्टा कर दें तो पैसे बताओ तो साइज बता लेकिन सेशन एंड होते होते तो अभी टाइम कहता है ए क्या रखेंगे और बी क्या रखेंगे कांस्टेंट नहीं कभी ये आप वो हैंडल करेंगे और आप एप्लीकेशन जो बना रहे हैं इनपुट क्या रखना चाहिए और आउटपुट वो कुछ भी हो सकता है अच्छा सर लेकिन जब दूसरे एरिया एक ही एरिया में हम काम करें एक घर बना हुआ है एक खाली प्लॉट म्यूट कर देना की कीमत मेरा नहीं ख्याल कोई अच्छा फैसला होगा बाकी उन्होंने क्या किया नंबर ऑफ ब्लड बस आपको मैं अब आज इनपुट जा रहा है अब इनपुट में चीजें जा रही है ठीक है दोस्तों तो आप थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल आप बल्कि लास्ट टाइम शॉट की भी देखी थी कितना बड़ा घर चाहिए आपको और कितने कमरों का चाहिए सिंपल से छोड़ दें अब आपने ये लॉजिक से सर्वे किया तो ये प्रैक्टिस आप लोग कमरों का इतने पैसे होते हैं आपको मोशन में होते हैं आपको म्यूट करके आपके पास एक्सपीरियंस बिल्ड हो और आप बता सके बोलते हैं इसकी प्राइस क्या इसकी एल्गोरिथम को आप किसी दूसरी तरीके से दो इनपुट वाला बना सकते हैं और उसका आउटपुट अलग हो ये जो लोग मोबाइल से कनेक्टेड है ना मेरा ख्याल है उनमें ये ज्यादा प्रॉब्लम है कि वो म्यूट अनम्यूट का प्रॉब्लम होता है खत्म करते हैं तो यहाँ पे दूसरा इनपुट जो हो सकते हैं मैं स्क्वायर फीट से पैसे बताता हूँ बेडरूम भी मैं बता सकता हूँ देखा कितने पैसे हैं और इतनी बड़ी जगह चाहिए इसके अंदर इतने यानी कम से कम कमरे होंगे या आउटडोर को भी पता है दूसरा ये हो सकता है कि आप मुझे बताएं पैसे और नंबर ऑफ बेडरूम कितने चाहिए मैं बता सकता हूं कि यार इतने पैसों में इतने नंबर ऑफ बेडरूम में इतनी बड़ी जगह आपको मिल सकती है ये ए टू बी मैपिंग है जो कि आप डिफाइन करें कुछ कैमरा से ले रहे हैं कुछ सेंसर डेटा जो है ना कुछ लेजर लाइट वो यूनिक होता है ठीक है तो लेजर सेंसर डेटा आपके बिजनेस को टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है उसकी बेस के ऊपर अगर आपके पास वाइड डेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज डिसाइड करते हैं कि इसके ऊपर क्या डिसीजन लेना है कोई बैंक क्या करते हैं रिकॉग्नाइज गैस्टर और ट्रैफिक पुलिस अभी जो बैंक वाले करते हैं रैंडम लोगों को कॉल पर नॉट पॉसिबल ठीक है
तो रैंडमली कॉल करने में प्रॉब्लम क्या है, कोई जॉब वाला है कोई जॉब वाला नहीं है, आपके इनकम जो है एक बॉडी लैंग्वेज से कम है और आप उसको बोलते हैं हमारा क्रेडिट कार्ड लेने होता है, ठीक है मैं ले लेता हूँ, फिर आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, बाद में पता चलता है एलिजिबल इसको क्रेडिट कार्ड नहीं बेच सकता, आप बोलते हैं सॉरी सर यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस कैंप। अब ये बड़े मसले मसाइल हो रहे हैं। अगर मैं आपको बिल्कुल राइट डेटा दे दूं या ये 5,000 लोग हैं तो कॉल करो, ये सब के सब एलिजिबल का मतलब अलग होता है। तो अब मुझे बताएं कि आपका टाइम, आपकी कॉलिंग टाइम, आपकी कॉस्ट, तमाम चीजें बचेंगी और दूसरा सबसे ज्यादा आप सेल्स कर सकते हैं दोनों के स्टॉप के साइन में, मतलब यानी एक यानी क्या आपको जो भी बिजनेस अलग यानी उनका अगर आपके पास डेटा है जो भी बिजनेस का डेटा आपके पास मौजूद है वो यूनिक है और ये नॉर्मल डेटा की बेस के ऊपर आप अपने बिजनेस को टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि पुरानी वाली चीज थी मुश्किल है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हमने डिस्कस नहीं की और आगे जाके हम और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। हम डेटा साइंस के प्रोजेक्ट को थोड़ा सा भी आगे जाके हम देखें क्या-क्या चीजें हैं, ये पॉसिबल है नॉट पॉसिबल है। बताया डेटा इज ऑफन यूनिक टू योर बिजनेस एंड दिस इज एन एग्जांपल में लिखा हुआ क्रिटिकल एप्लीकेशन रिक्वायर्ड गुड एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का वर्ड कह रहे हैं कि एक्यूरेसी के अलावा जो भी हमारे पास मेजर ऑफ सक्सेस होती है वो हम देखते हैं एक्यूरेसी ये वाली बातें कह रहे हैं जो अभी हमने देखी। अच्छा अब क्रिटिकल एप्लीकेशन आउटपुट क्या रखना है, लेकिन डेटा को आपको देखना आना चाहिए इससे आप क्या चीज हासिल करना चाहते हैं। ऐसी कोई भी एप्लीकेशन जिसके अंदर इंसान साइज के बेस के ऊपर जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं डेटा को देखकर कोई भी यानी डिसीजन लिए जा रहे हैं और क्या है उस इंसान को नुकसान पहुंच सकता है या फायदा पहुंच सकता है, ये तो जितनी भी क्रिटिकल हमारे पास जो डेटा है उनके अंदर पहला डेटा था टैबलेट डेटा तो बहुत आसान था लाइक कि भाई ये आपके दो इनपुट है और ये आपका एक आउटपुट है, उसमें कोई मुश्किल काम था ही नहीं। तो वहां पे अब हमने क्या किया, ये बताया कि इस पेशेंट को ये बीमारी है ठीक है इस स्टेज पे है तो हम इसको ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर कोई बंदा ऐसा था जिसे हम ट्रीटमेंट दे सकते यानी ऐसा ट्रीटमेंट मेरे पास मौजूद था जो उसकी जिंदगी बचा सकता था लेकिन मेरे मॉडल ने उसको प्रेडिक्ट किया। कंप्यूटर साइंस में बैक एंड के ऊपर जितनी भी आपकी लर्निंग और डिसीजन होते हैं ना वो गेट्स से ही होती उसकी जिंदगी और डिसीजन मेकिंग जो होती है लॉजिकल गेट्स इसलिए निकला। अब अच्छा उन गेट्स को कंट्रोल करने के लिए जो कि आपके पैल्स से एंड ये सारे ऑपरेटर्स को लगाते थे तो पहले ही ऑपरेटर आप खुद लगाते थे, अब ये मशीन खुद फाइंड करती है यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर रखना चाहिए यहाँ पे कौन सा गेट रखना चाहिए मॉडल की ठीक है तो इस वजह से हम इसको मशीन लर्न नहीं कर पाए। बैक एंड पर आपके वही गेट्स जितनी भी लॉजिकल प्रोग्रामिंग होती है इलेक्ट्रॉनिक्स में बैक एंड के ऊपर आपके जो ये सारे गेट्स ही चलते हैं जी सर। अच्छा ये डेटा था आपके पास टैबुलर डेटा, इंसान जो है ना नॉर्मल टैबुलर डेटा से बहुत ज्यादा टैबुलर तो इसके ऊपर वो बचपन से काम करता आ रहा है, बचपन से आप डिसीजन लेते हुए आ रहे हैं। एक्सेल शीट के ऊपर आप लाइक अपनी जो भी यानी प्रोग्रामिंग फील्ड में या काम कर रहे हैं तो एक्सेल के ऊपर आप डेटा को यानी बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं इंसान के मैदे में। ये टैबलेट डेटा के अलावा हमारे पास दूसरा डेटा होता है लेकिन क्या मशीन लर्निंग का मॉडल स्ट्रक्चर पर के ऑपरेशन कर सके इस डेटा के अंदर देखें जरा ये नहीं कर सकता क्या किया हुआ है बीमारी का मतलब लैबिंग की नहीं कर सकता और क्या पॉसिबल नहीं है दोस्तों। अगर आप पिक्चर अक्वायर करते हैं बहुत सारे डेटा कलेक्ट करते हैं पिक्चर की फॉर्म में पॉसिबल नहीं है लाइक आप पहचानना चाह रहे हैं कांसे में या कांसे नहीं है कैट है या कैट नहीं है तो इस तरह जाके आप उनकी बहुत सारी तस्वीरें कलेक्ट करेंगे और उनको लेबल कर देंगे। लर्निंग सिंपल कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट जो आप दो या तीन सेकंड डिसीजन ले लेता है तो ऐसा कोई भी काम चेहरा देख के आप फौरन आइडेंटिफाई कर लेते हैं कासिम या जी उसको आपको लाइक सेकंड नैनो सेकंड भी नहीं लगता तो ऐसे कोई भी काम इंसानी दिमाग ऐसे मिनट
इस तरह की जो एप्लीकेशन है हम, ठीक है, डेटा चाहिए होता है, ठीक है, बहुत सारे कंप्यूटर है जो की मैं कम डेटा एक वक्त में 100 सैंपल कम डेटा रेलिवेंट डेटा, ठीक है, किसी ने 200 दे दिया वर्ड का इस्तेमाल कर मेमोरी क्रैश रेलिवेंट डेटा से आप बेच प्रोसेसिंग ये है कि वो क्या करेगा 80 सैंपल उठा के लेके जाएगा फिर आगे की 80 पिक्चर उठाएगा फिर उनके से डीप लर्निंग इटरेशन आपकी चली नहीं 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 अभी बहुत तो यहाँ पे आपका जो डेटा है जो लेकिन बात वही है हम जाएंगे दुनिया का सबसे अच्छा तरीन करते हैं एक हद नहीं है अभी तो बस ये अलग हो सकते हैं और इसके ऊपर सबकी अलग अब हम जो डेटा अप्लाई कर रहे हैं पहला डेटा हमने टैबलेट किया था जिसके अंदर आप घर का साइज नंबर डेटा आपने कहीं से कलेक्ट किया किसी उसके लिए इसको डेटा चाहिए लॉट्स डेटा का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ ठीक है इनफ फॉर ट्रेनिंग तो हमें छोटा डेटा सेट हो लेकिन वो काबिल हो जिसमें आप सारी लर्निंग सीख सकें ठीक है तो ये आप कर सकते हैं डज नॉट वर्क मैन हमारे पास डिटेक्ट करना है आपके पास जो लास्ट 3 महीने की सेल्स पर्टिकुलर आपने वेबसाइट से वो डेटा डाउनलोड किया तो अच्छा दूसरा यूजर मेरे पास है।